Welcome to my channel Learning Tools. Subscribe to my channel for more videos. Let's learn with fun. New words of the chapter run. आज मैं आपको इस chapter run के new words यानी कि नए शब्द हिंदी में समझाऊंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. First word is raindrops. 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 मीनिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन. रेनड्रॉप्स मतलब होता है बारिश की बूंदे. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और ये जो बारिश की बूंदे हैं इन्हीं को हम रेनड्रॉप्स कहते हैं. दीज आर कॉल्ड रेनड्रॉप्स. सेकेंड वर्ड इज बीनीथ. BENEATH. बीनीथ मीनिंग अंडर और बिलो. इसका मतलब होता है बीनीथ का मतलब नीचे. हम पिक्चर में देख सकते हैं लड़की इस पेड़ के नीचे बीनीथ खड़ी है. दिस गर्ल इज स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री और अंडर द ट्री. थर्ड वर्ड इज ब्रीज. BREEZE. ब्रीज मीनिंग अ लाइट जेंटल विंड. ब्रीज का मतलब होता है हमने देखा होगा ठंडी ठंडी धीमी धीमी जो हवा चलती है उसी को हम ब्रीज कहते हैं. हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्रीज की वजह से यानी कि जिसे हम हिंदी में बयार भी कहते हैं उसकी वजह से ये पत्तियां और इसके बाल हिल रहे हैं. हर हेयर एंड दीज लीव्स आर मूविंग बिकॉज ऑफ द ब्रीज. फोर्थ वर्ड इज हिलसाइड. HILLSIDE. हिलसाइड मीनिंग अ पार्ट ऑफ अ हिल बिटवीन द टॉप एंड द फुट. हिल हमें पता है पहाड़ियों को कहते हैं, छोटी पहाड़ियों को. पहाड़ जितनी बड़ी नहीं होती है पर पहाड़ जैसी ही होती है. और जो ये पहाड़ी का ऊपर और नीचे के हिस्से के बीच की जो जगह होती है उसी को हम हिल साइड कहते हैं. सो अ पार्ट ऑफ अ हिल बिटवीन द टॉप एंड द फुट इज कॉल्ड हिल साइड. दैट मीन्स दिस एरिया इज कॉल्ड हिल साइड. इस एरिया को जो बीच का एरिया है इसे हिल साइड कहते हैं. फिफ्थ वर्ड इज मेडो. MEADOW. मेडो मीनिंग एन एरिया ऑफ लैंड विद ग्रास एंड अदर वाइल्ड प्लांट्स इन इट. मेडो जिसे हिंदी में घास का मैदान भी कहते हैं, ये वो एरिया होता है जमीन का जिस पर जंगली घास या जंगली पौधे उगे होते हैं और बेसिकली यहाँ जंगली जानवर आकर ये घास को खाते हैं. दिस एरिया इज कॉल्ड मेडो. सिक्स्थ वर्ड इज मैरी. MERRY. मैरी मीनिंग हैप्पी. एज वी कैन सी इट इन द पिक्चर, हम पिक्चर में देख सकते हैं मैरी को हम हैप्पी कहते हैं यानी कि मतलब खुश. वी कैन सी इट इन द पिक्चर. सेंटा क्लॉज कैसा है अभी, क्या महसूस कर रहा है, कैसा लग रहा है? ही इज लुकिंग हैप्पी, खुश लग रहा है. और हम जब किसी को क्रिसमस विश करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैरी क्रिसमस. इसका मतलब होता है हैप्पी क्रिसमस. लेट्स रिवाइज एंड राइट ऑल द न्यू वर्ड्स टू टाइम्स. चलिए अब सारे न्यू वर्ड्स को जो हमने नए शब्द सुने उनको एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट वर्ड वॉज रेनड्रॉप्स. सेकेंड वर्ड वॉज बीनीथ. थर्ड वर्ड वॉज ब्रीज. Fourth word was hillside. Fifth word was meadow. Sixth word was merry. Raindrops means drops of rain. Beneath means under or below. Breeze means a soft or gentle wind. Hillside means an area of a hill between the top and the foot.
Meadow. Meadow means a land in which wild grass or wild plants grow. Merry. Merry means happy. Thank you friends for watching the video. If you like the video, then please subscribe to my channel Learning Tools. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टूल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.